Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 7, Packing of Class 9 Beehive Subject English NCERT CBSE Textbook. The author of this chapter is Jerome K. Jerome. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है. इस वीडियो में हम सातवां पार्ट करेंगे नौवीं कक्षा की बीहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से. पार्ट का नाम है पैकिंग. इसके ऑथर है जेरोम के जेरोम. ये NCERT CBSE सिलेबस में से है. फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लीव अ कमेंट फॉर मी. अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा. बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए. डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. Friends, in this chapter, the author is trying to express his feelings and experience of the packing that he is doing for the travel that they have the next day morning. So, the kind of chaos that is created by him and his friend George and Harris is explained in a very funny way. And it's worth, going through, understanding what they try to express over here in this chapter. And at times it also teaches us what are the small mistakes that we make. So let's try to see what exactly the chapter has to say. दोस्तों, ये चैप्टर ऑथर की अनुभव शेयर करता है. वो दूसरे दिन सुबह पैकिंग करने के बाद दूसरे दिन सुबह बाहर जाने वाले होते हैं उनके फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के साथ. लेकिन वो पैकिंग का अनुभव यहाँ शेयर कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और ये मिस्टेक्स करते करते उनकी पूरी रात का काफ़ी सारा टाइम चला जाता है. तो ये सीखने जैसा है और बहुत बार हम भी पैकिंग करते वक्त बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं. तो आई होप वी कैन लर्न कि हम शायद इनसे हम सीखेंगे कि क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करनी चाहिए. तो देखते हैं पार्ट हमें क्या सिखा रहा है. आई सेड आई'ड पैक. ऑथर कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. तो मुझे जो पैकिंग का मेरा जो गुण है, जो मेरी कला है, उस पर मुझे बहुत गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ इट इज़ व्हाट दी ऑथर इज ट्राइंग टू से. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. तो पैकिंग ये ऐसी वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, मुझसे बेटर ये चीज़ नहीं कर सकता है. ऐसा मेरा अनुभव है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर. बहुत बार ये सोच के मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ. तो ऐसी कितनी सारी चीज़ है जिसमें मैं प्रखर हूँ और निष्णात हूँ, ऐसा पता सोच रहे हैं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अबाउट जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. मैंने जॉर्ज और हैरिस को दबाव देते हुए कहा कि ये सारा पैकिंग का जो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको अच्छे तरह से कर लूँगा. दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. तो ये सजेशन जब मैंने दिया कि मैं ये करूँगा, तो अनकैनी मतलब डेजिग्नेट, उन्होंने तय करके रखा था कि ऐसा ही कुछ होगा. तो वो लोग तैयार ही थे इस सजेशन देने के लिए एकदम, कि ऐसा होगा तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. तो जैसे मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, तो जॉर्ज फटाक से इजी चेयर में लंबा हो गया और हैरिस ने अपने पैर टेबल के ऊपर लंबे कर लिए. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. तो ऑथर कहते हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं था. वॉट आई मेंट ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डिरेक्शंस. तो ऑथर कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ये पैकिंग कैसे करना है उसका सजेशन या बॉस बन के मैं इन लोगों को, हैरिस को और जॉर्ज को बताऊँगा कि आपको ये काम कैसे करना है. और ये मेहनत का काम हैरिस और जॉर्ज करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट हियर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से. तो मैं उनको एक तरफ धक्का देते करूँगा, देखो ये ऐसे करते हैं, अच्छा वो ऐसे करते हैं. इतना आसान काम है. यही सब जैसे आपने सुना होगा वैसे ही मेरा कहने का मतलब था. दे आर टेकिंग इट इन द अदर वे दे डिड इरीटेट मी. तो उन्होंने जो मेरा कहने का मतलब कुछ और निकाला, इससे मैं ज़्यादा इरीटेट हो गया. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो ऑथर कहते हैं मुझे ये देखकर और चिड़चिड़ापन आ जाता है जब मैं काम करता हूँ और बाकी लोग बैठ के देखते रहते हैं कि काम कैसे हो रहा है.
आई लिव विथ अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे. मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ रहता था जो ऐसे हरकतों से मुझे बहुत पागल बना देता था. ही वुड लोल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर. तो वो पूरे दिन सोफे में बैठे रहने का और घंटों तक देखते रहने का मैं कैसे काम कर रहा हूँ. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट. तो बोलते हैं मुझे उसको बहुत तसल्ली होने की, अच्छा लगने का, या उसके साथ बहुत अच्छा होने का जब वो देखने का कि मैं किस तरह से चीज़ को मैसअप करता हूँ, डिसअरेंज करता हूँ, सही ढंग से उसको करता नहीं हूँ, ये देख के उसको अच्छा लगता था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. अब मैं वैसा नहीं हूँ. ऑथर कहते हैं आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. मैं एक जगह पे बैठ कर खड़ा रहकर देख नहीं सकता हूँ जब दूसरा व्यक्ति कशमकश करता हो, मेहनत करता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल देम वॉट टू डू. मुझे अब खड़े होकर देखना है, मैनेज करना है, गिर करके देखना, घूमते हुए देखना है, अब जेब में हाथ डाल के कि कोई हर बाकी व्यक्ति लोग कैसे काम कर रहे हैं और उनको बताना है कि काम कैसे करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. ये मेरा उत्साही और एनर्जेटिक भरा नेचर है, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड पैकिंग. इसके बावजूद मैं कुछ बोला नहीं और मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एंड एट लास्ट आई सैट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट. मैंने जिससे सोचा था उससे काफ़ी लंबे तक ये टाइम चला, लेकिन मैंने उसको कर दिया, बैग पैक कर दिया और उसके स्ट्रैपिंग करके उसको बांध के मैं उस पर बैठ गया. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. क्या आप जूते अंदर पैक नहीं करने वाले हो, ऐसा हैरिस ने पूछा. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन देम. तो मैंने ये देखा और फिर मुझे पता चला कि मैं जूते अंदर डालना भूल गया हूँ, पैक करना भूल गया हूँ. That's just like Harris. ये देखो हैरिस का स्वभाव ऐसा ही है. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. वो तब तक एक शब्द नहीं बोलता जब तक मैंने पूरी बैग पैक नहीं कर दी है. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. और ये देखकर जॉर्ज हंसने लग गया, उसकी irritating हंसी, वो senseless अर्थ बगैर की हंसी से. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. इसकी वजह से, इसकी हंसी सुन के, ये चीज़ें और इनकी हरकतें सुन के मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, ऐसा ऑथर कहते हैं. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी. तो मैंने बैग खोला, बूट्स अंदर डाल दिए और उसको बंद कर दिए, और जब मैंने बंद किया तब एक अजीब सा डरावना आइडिया मेरे दिमाग में आया. Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना toothbrush अंदर पैक किया है? I don't know how it is, but I never do know whether I've packed my toothbrush. तो ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं होता है कि मैंने मेरा toothbrush पैक किया है कि नहीं. My toothbrush is the thing that haunts me when I'm traveling and makes my life misery. मेरा toothbrush ये एक डरावनी चीज़ है और हमेशा मुझे डराता रहता है जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, और मेरा जीना मुश्किल कर देता है. या मिजरी का मतलब सफरिंग है. आई ड्रीम दैट आई हैवन पैक्ड इट एंड वेक अप विद अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हॉन फॉर इट. मैं ऐसा सपने में देखता हूँ कि मैंने अपना ब्रश पैक नहीं किया है और ठंडे पसीने में लोथपोथ होकर मैं उठता हूँ, बेड में से बाहर निकलता हूँ और उसको ढूंढने लग जाता हूँ कि मेरा ब्रश कहाँ है. I pack it before I use it and have to unpack again to get it. मैं उसको पैक करता हूँ इस्तेमाल करने के पहले और वापस बैग को खोल देता हूँ उसको इस्तेमाल करने के लिए. And it is always the last thing I turn out of the bag. और ये हमेशा वो लास्ट चीज़ होती है जो बैग से बाहर निकलती है. And then I repack and forget it. और फिर मैं उसको वापस पैक कर देता हूँ और भूल जाता हूँ. And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it into the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और ये फिर दौड़ के मैं उसको भूल जाता हूँ, फिर दौड़ के उसको ऊपर की तरफ जाके उसको लेके जाता हूँ, और एंड में रेलवे स्टेशन पे पहुँचते वक्त मुझे अपने पॉकेट के रुमाल में उसको लपेट कर लेके जाना पड़ता है. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. हाँ, अभी मुझे हर कोई ज़िंदा चीज़ अंदर से बाहर निकालनी थी और मैं बिल्कुल उसको ढूंढ नहीं पाया. तो अब सारी कश्मकश कर रहे हैं ऑथर यहाँ अपना ब्रश ढूंढने के लिए. आई रमेज एंड थिंग्स अप इन टू मेच मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड वेन क्रियोस रेन. तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उस चीज़ का, उस बैग का कोना कोना छान मारा है ना, हर चीज़ को ऊपर नीचे किया था, ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन मुझे
उस हालत में उसको ढूंढना था, जिस हालत में जब हर कोई चीज़ की हालत ऐसी थी जब से जब पृथ्वी बनी थी तब जैसी उसकी हालत थी वैसे, मतलब ओरिजिनल सिचुएशन में जब वो चीज़ बनी थी उस सिचुएशन में हर कोई चीज़ मिली, लेकिन ये चीज़ मिली नहीं। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माय ओन। जॉर्ज और हैरिस का मानो ब्रश मुझे 18 बार मिल गया होगा लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शुक इट। मैंने हर चीज़ अंदर अंदर करके वापस डाली और फिर और ऊपर करके उसको हिला के देखा। देन आई फाउंड इट इन साइड अ बूट। आई रिपैक्ड वंस मोर। फिर आखिर में मुझे मेरा ब्रश एक शूज़ के अंदर बूट के अंदर मिला और फिर वापस मैंने रिपैक कर दिया बैग को। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क इफ द सोप वॉज इन। जब मैंने पैक करके मेरा काम खत्म हो गया, जॉर्ज ने पूछा कि अगर मैंने साबुन अंदर भर दिया है। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर दिस सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक माई स्पेक्टिकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। तो मैंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर अंदर साबुन को पैक किया है कि नहीं। मैंने फटाक से वो उसने बैग नीचे पटका स्ट्रैप कर दिया और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने चश्मे भी अंदर भर दिए हैं, तो मैंने बैग को वापस ओपन किया। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और आखिर में 10:05 पर पैकिंग का खत्म हो गया और फिर तकलीफें तो थी ही। तो हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई अग्री एंड सैट एंड दे हैड अ गो। फिर जॉर्ज हैरिस और जॉर्ज का कहना था कि अभी 12 घंटे में उनको निकलने का टाइम हो जाएगा तो आप आराम कीजिए। और मानो हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि हम पैकिंग करते हैं, शुरू करते हैं। सो आई एग्रीड एंड सैट डाउन। तो मतलब मैंने उनकी बात स्वीकारी, मैं नीचे बैठ गया। अब उन्होंने काम शुरू कर दिया पैकिंग का। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट इवेंचुअली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। शुरुआत में उन्होंने एक हल्के हल्के मूड से शुरू किया मुझे बताने के लिए कि कैसे पैकिंग किया जाता है। आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने सिर्फ राह देखी। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड एंड आई लुक एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड द कप्स एंड किटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो जॉर्ज के अलावा हैरिस दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है। उसके बाद मैंने सारे ढीक पे पड़ी हुई चीज़ों को देखा, प्लेट्स देखी, कप देखे, बॉटल्स देखे, किटल्स देखे, स्टोव देखे, केक्स देखे, टोमेटोज देखे, सारी चीज़ें इधर उधर देखी और फिर मुझे पता चला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा कामकाज। एंड इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप और चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई। उन्होंने शुरुआत की कप को तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड और ये सबसे पहली चीज़ थी उन्होंने की, उन्होंने कप तोड़ दिया। दे डिड दैट जस्ट टू शो मी वॉट दे कुड डू एंड गेट यू इंटरेस्टेड। वो उन्होंने इसीलिए किया था कि वो चाहते थे कि मैं देखूं कि वो क्या कर सकते हैं ताकि आपकी उसमें जिज्ञासा जागे। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक अप द टोमेटो विद अ टीस्पून। फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम जो था उसकी बॉटल स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल थी उसको टमाटर पर रख दी, उसके वजह से टमाटर सारे पिचक गए, स्क्वीज हो गए और अंत में उन लोगों को टमाटर सारे चम्मच से निकालने पड़े। तो यहाँ सारा ह्यूमर और मजाक दिख रहा है हमको। एंड देन इट वॉज जॉर्जस टर्न, ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब जॉर्ज की बारी थी, उसने बटर को अपने पैरों तले नीचे दबा दिया, उस पर खड़ा हो गया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन मैं टेबल के कोने पर आकर मैं उनको देखता रहा। इट इरीटेटेड देम मोर देन एनी थिंग आई कुड हैव सेड। मेरा ये कहना है कि उससे मेरा वहाँ आके बैठना उनको ज़्यादा और चिड़चिड़ा कर दिया उनको। आई फेल दैट, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई मेड देम नर्वस एंड इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वॉन्टेड देम। तो एंड दे पैक द पाइज ऑन द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। तो मुझे ये ज़रूर पता चला कि वो जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो सब चीज़ को इधर उधर तहस महस कर रहे थे, सारी चीज़ ढूंढते ढूंढते अपने पीछे ढाल देते थे और फिर ढूंढते रहते थे कि वो कहाँ गई। फिर उन्होंने क्या किया, पाइज मतलब फरसान की चीज़ें या बिस्किट केक या लेट्स से
समोसे या कचौड़ी ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने नीचे की तरफ डाली और हैवी वज़नदार चीज़ें बैग के ऊपर की तरफ डाली और सारी चीज़ को उधर कुचल दिया बैग में। They upset salt over everything, and as far as the butter, I never seen two men do more with one and two pence worth of butter in my whole life than they did. जितनी सारी चीज़ें थी उस पर उन्होंने नमक छिड़ दिया था और बटर का तो क्या पूछे। मैंने एक दो पैसे के बटर के साथ कोई आदमी कितना कुछ कर सकता है, वैसा मैंने पहली बार देखा जब जॉर्ज और हैरिस बटर के साथ जो हरकतें कर रहे थे। After George had got it off his slippers, he tried to put it in the kettle. फिर जॉर्ज ने ट्राई किया कि अपने स्लीपर्स पे से बटर को निकाल दे और फिर उसको केटल में डाल दे। इट कूडेंट गो इन एंड वॉट वॉज इट वुडेंट कम आउट, एंड वो अंदर नहीं जा पाता था और फिर जब अंदर गए तो फंस भी गया था, बाहर भी नहीं आता था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एंड एट लास्ट दे पुट इट डाउन ऑन द चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट। आखिर में उन्होंने उसको पूरा तहस महस कर दिया, तो बहुत बुरी हालत में था बटर, उसको बाद में बाहर निकाल दिया और उस कुर्सी पर रख दिया और हैरी उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन हिम, और फिर वो बटर उसको चिपक भी गया। एंड दे वेस्टेड लुकिंग इट फॉर ऑल ओवर द रूम, और फिर वो इधर उधर उसको ढूंढते लग गए जब वो बटर पीछे हैरिस को चिपका हुआ था। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। तो जॉर्ज ने बोला, मैं कसम खाता हूँ मैंने वहाँ चेयर पे रखा था, ऐसा उसने चेयर की तरफ देखते हुए कहा। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट एन मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस कहता है, मैंने भी तुम्हें यही करते हुए देखा एक मिनट पहले ही। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम लुकिंग अराउंड फॉर इट, एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर वो उसको पूरे रूम में गोल गोल घूमते हुए ढूंढने लगे और फिर वो रूम के बीच में वापस मिले, एक दूसरे को देखने लग गए। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड, सेड जॉर्ज। मैंने सबसे इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मेरी जिंदगी में नहीं सुनी, ऐसा जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, कितना पेचीदा है ये। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे जाके घूम देखते रहा था और उसने देखा उसको। वाई हियर इज इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली। तो यहाँ है वो, ऐसा उसने गुस्से में आके कहा। वेयर सेड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, पीछे घूमते हुए हैरिस ने पूछा, कहाँ है करके। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज। फिर जॉर्ज ने गुस्से में कहा, क्या एक मिनट तक आप सीधे खड़े नहीं रह सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे उड़ते उड़ते जॉर्ज गया। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और ये उसको वहाँ से पीछे से निकाल दिया बटर को और फिर उसको टी पॉट में बंद कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन एट ऑल ऑफकोर्स, अब मॉन्टमोरेंसी इस सब चीज़ में बीच में आ गया था। मॉन्टमोरेंसी उनके डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है। मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू गेट इन वे एंड बी स्वोन एट। मॉन्टमोरेंसी की जीवन में एक ही ध्येय थी कि हर चीज़ के बीच में आना, और जब तक कोई बोलते हैं ना मैं तेरी जान ले लूँगा कसम से, तो ऐसा कोई स्वोन एट, तो कसम जब कोई खाता है उसको मारने की, वैसे चीज़ में उसका बीच में आने की उसकी इच्छा थी। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर वेन ही पर्टिकुलरली इज नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तो उसको जब उसको नो चीज़ें यहाँ वहाँ चाहिए देती थी, और जब वो बीच में आता था उस चीज़ के, और उस चीज़ के बीच में वो परफेक्ट न्यूज़ एंड ऑब्स्टिकल बनने का भी अड़चन की तरफ है, पीपल गुस्सा लोग वहाँ उसको देख कर गुस्सा हो जाने के और सब चीज़ें लेके उसके सर की तरफ फेंकने के, और जब ऐसा उसको लगने का कि लोगों ने चीज़ें उठा उठा कर उसके सर की तरफ फेंका है, तब उसको लगता कि हाँ मेरा दिन आज ख़राब नहीं गया है, दिन बर्बाद नहीं हुआ है। He got somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, and if his and is his highest aim and object. तो उसके हर चीज़ में इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति उसको रास्ते में आके उसको लात मार के जाए और उसको गाली दे, और गाली देते रहे एक घंटे तक, ये उसका सबसे उच्चतम ध्येय है। एंड विच ही सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग हिज कंसाइट बिकेम when he succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो ये करने में जब उसके ये accomplish हो गए कि हाँ ये हो गया है, तब उसका ego बीच में आने का और वो unbearable रहने का, कि वो बर्दाश्त नहीं होने का उसका ego।
He came and sat down on things just when Deva wanted to be packed, and he labored around under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold damn nose that they wanted. तो जब भी कोई चीज़ चाहिए रहती थी वो उसी चीज़ पर जाके बैठता रहता था और उसको एक ही बिलीफ थी अपने मन में, यही विश्वास था कि जब जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ को लेने के लिए हाथ आगे कर रहे हैं तो उन दोनों को उसका नाक ही पकड़ना था, ऐसा मेटमोरेंसी की बिलीफ थी. He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed three of them before Harris could land him with the frying pan. तो उसको ऐसा लगा कि उसने अपना पैर जैम में डाल दिया और फिर उसने जो चम्मच थी उसको भी उड़ा के कहीं फेंक दिया. फिर उसको ऐसा लगने लग गया, ऐसा प्रिटेंड किया, दिखावा करने लग गया जैसे वो नींबू थे, वो नींबू नहीं चूहे थे. फिर वो दो तीन उसने पकड़ के उसको निचोड़ भी दिया लेकिन उसके मन में ऐसा था कि मैंने चूहे मार दिए हैं और फिर हैम्पर्स को भी इधर उधर कर दिया. ये सब हुआ तो उसके पहले तो हैरिस ने बड़ा सा फ्राइंग पैन लेके उसके ऊपर दे मारा था. हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम. हैरिस का ये कहना था कि मैंने इस कुत्ते को बढ़ावा दिया था. आई डिडंट एनकरेज हिम. मैंने उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया था. अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट. इस तरह के कुत्ते को कोई बढ़ावा नहीं चाहिए होता है. इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम टू मेक हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. ये ऐसे पाप करने वाली चीज़ें ऐसे कुत्ते में पहले से जन्म से ही होती है जो उसको ऐसी चीज़ें करने में मजबूर करते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. आखिर में पैकिंग 12:50 पे हो गया. अब हैरिस हैम्पर पे बैठ गया और उसने आशा की कि अब कुछ टूटा हुआ ना हो. जॉरिस सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन. जॉर्ज का कहना था कि अगर कुछ टूटा है तो टूटा है. विच रिफ्लेक्शन सीम टू हैव कन्फ्रंट हिम. तो ऐसा थोड़ा सा दिलासा मिला उसको. ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड. उसने ये भी कहा कि अब उसे सोने को जाना चाहिए. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. अब हम सबको नींद आ रही थी. हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स. और उस रात को हैरिस हमारे साथ ही सोने वाला था इसलिए हम ऊपर गए. He tossed for beds and Harris had to sleep with me. बेड पर मेरे साथ किसको सोना चाहिए इसके लिए हमने सिक्का उछाला और हैरिस को मेरे साथ सोना था. He said, "Do you prefer the inside or the outside, जी?" हैरिस ने मुझे पूछा कि क्या आप बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद करते हो कि बाहर की तरफ. I said, "I generally prefer to sleep inside the bed." मैंने कहा कि मैं अक्सर बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ. हैरिस said that it was odd. हैरिस का ये अलग बात है, अजीब बात है. जॉर्ज सेड, "What time shall I wake you fellows?" जॉर्ज ने हमसे पूछा कि मैं आप लोगों को कितने बजे उठाऊँ. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6. हैरिस ने कहा कि 7 बजे उठाना. मैंने कहा नहीं 6 बजे. बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं सुबह उठ के. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेज एंड सेड 6:30. हैरिस और मुझ में थोड़ी वहाँ डिस्कशन हुआ कि हमको कितने बजे उठना चाहिए. आखिर में हमने बीच में का टाइम तय किया और 6:30 का टाइम फिक्स किया. वेकअप है 6:30 जॉर्ज. हमको 6:30 बजे उठा था जॉर्ज, ऐसा हमने कहा. वी सेड जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर सम टाइम. जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया और फिर हमको पता चला कि कुछ देर पहले ही जॉर्ज सो चुका था. सो वी प्लेस द बाट वेयर वी कुड टम्बल इन ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आर सेल्स. तो फिर वहाँ से हमने ये थे वो लोग बाथरूम के बाजू में ही सो गए ये सोच के कि सुबह उठ के अंदर भागा जाए और फिर हम सो गए, अपने आप ही सो गए. दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा. फ्रेंड्स आ चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन. थैंक यू फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू ज्ञान गुरु वाणी एज दिस इज़ योर पर्सनल चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो. दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू. बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामी नारायण.